विदेशी जमीन पर खालिस्तान एक बार फिर सिर उठाने की कोशिश कर रहा है। अब तक कनाडा इन खालिस्तानियों का स्वर्ग बना हुआ था, लेकिन अब ये इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देशों में भी अपनी प्रेजेंस दिखा रहा है। ताजा मामले में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में खालिस्तान समर्थकों ने आग लगा दी। फ्रांसिस्को में राजनयिक मिशन पर हमले की ये दूसरी घटना है। इसके पहले मार्च में भी भारतीय कॉन्सुलेट में तोड़फोड़ की गई थी। इसके पहले इंग्लैंड में भी खालिस्तान समर्थकों ने भारतीय दूतावास में तिरंगे का अपमान कर अपना झंडा लगाने की कोशिश की थी। ठीक ऐसी ही एक घटना में खालिस्तान समर्थकों ने कनाडा में एक झांकी निकाली, जिसमें भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के दृश्य को झांकी की तरह प्रस्तुत किया गया था। एक समय था जब देश में खालिस्तान को लेकर मांग बहुत तेज हो गई थी। उस दौर में इंदिरा गांधी ने खालिस्तानी आंदोलन को कुचल कर रख दिया था। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत खालिस्तानियों का लगभग सफाया कर दिया गया था। इसी के बाद खालिस्तानियों ने अपना मिशन विदेशों से ऑपरेट करना शुरू किया। देश में खालिस्तान को लेकर 80 के दशक में मांग उठती रही। अलगाववादी अलग देश की मांग करते रहे। ये पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्से को अपना बताते रहे। इसके अलावा ये पाकिस्तान के भी पंजाब प्रांत के कुछ हिस्से को खालिस्तान में मानते हैं। लेकिन इधर मोदी सरकार भी खालिस्तानियों और विदेश विरोधी ताकतों पर काफी सख्त एक्शन में है और खालिस्तानी अलगाववादियों का सफाया करने के मूड में है। भारत में खालिस्तान के बड़े समर्थक अमृतपाल के जेल जाने के बाद अलगाववादी बौखलाए हुए हैं। भारत के अंदर इनका बस नहीं चल रहा तो ये देश के बाहर भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। लेकिन ना तो इनका सपना भारत में पूरा होगा और ना ही विदेशी जमीन पर। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।